सो फाइनली गाइस, अब आप सभी के सबसे इम्पोर्टेंट फेज दैट इज योर फेज टू का बिल्कुल अब बच चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑफिशियल प्रेस रिलीज करी गई है, जिसके अंदर सारी आपकी एडमिशन स्केड्यूल्स को डिटेल में बताया गया है। नाउ गाइस, अब आप सभी का फेज टू स्टार्ट कर दिया जा चुका है। ऑफिशियली आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने फेज टू को रिलीज कर दिया है। नाउ फेज वन एंड फेज टू आप सभी का दोनों एक साथ एंड हो रहा होगा। फेज वन की अभी लास्ट डेट नहीं होने वाली, दोनों फेज अब एक साथ रन होने वाले हैं और एक साथ एंड होने वाले हैं। फेज वन फेज टू की डेट क्या है, शॉकिंगली ये बहुत ही जल्द एंड होने वाला है, दैट इज विद इन 7 डेज, मतलब 24 जुलाई को आपकी फेज वन एंड फेज टू टोटली एंड होने वाला है। सो एकदम से पैनिक करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको पहले पूरा स्केड्यूल समझाता हूं, फिर हम इस पे बात करते हैं। देन गाइस, आप में से कई स्टूडेंट्स को अपनी करेक्शन विंडो का वेट था कि भाई मेरी करेक्शन विंडो कब ओपन होने वाली है, मैंने अपने फेज वन के अंदर कुछ गलतियां कर दी हैं। तो गाइस, अब आप सभी करेक्शन कर सकते हैं। कब तक? 20 जुलाई तक आप सभी की करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। क्या क्या चीजों को आप लोग एडिट कर सकते हैं, वो है आपका सबसे पहला नेम, सेकेंड आपकी पिक्चर, थर्ड आपका सिग्नेचर, फोर्थ योर जेंडर, फिफ्थ योर मेल आईडी, सिक्स्थ योर मोबाइल नंबर एंड लास्टली योर कैटेगरी। जो आप लोग परेशान होते हैं कैटेगरी चेंज कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, आप लोग डेफिनेटली अब कर सकते हैं। इसके बाद आपके प्रेस रिलीज के अंदर बताया गया है कि अब आपको किस तरीके से अपनी प्रेफरेंसेस को भरना होगा, जैसे कि इसके अंदर कुछ वर्ड्स यूज करे गए हैं, बॉटम, टॉप, प्रेफरेंस नंबर आप सेट कर सकते हैं। इसकी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इस पूरे फेज के ऊपर मेरी एक डिटेल वीडियो आने वाली है, मैं पूरा आपको समझा दूंगा कैसे आपको अपनी ये प्रेफरेंसेस फिल करनी है, कैसे कॉलेजेस को ऊपर नीचे सेट करना है, इसकी टेंशन मत लीजिए। अभी आप इसको समझने लगेंगे तो आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो गाइस, आप सभी को अपनी प्रेफरेंसेस भरने के लिए कम टाइम दिया गया है, ओनली एंड ओनली अ वीक, 7 डेज का टाइम है। 24 जुलाई तक आप सभी का प्रेफरेंस फिलिंग का फेस टोटली एंड हो जाएगा। ऑल्दो थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए था, बट 7 डेज ही मिल रहे हैं। एंड देन गाइस, आप सभी की जो भी प्रेफरेंस आप फिल करोगे, ये आपके 27 जुलाई को ऑटो लॉक हो जाएंगी। नाउ अब गाइस, मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि सिर्फ आपके पास 7 डेज बचे हैं एंड अब आपको रिसर्चिंग पे फोकस करना पड़ेगा, जिसमें अच्छा खासा टाइम कंज्यूम हो जाता है। इस मोमेंट पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारा खुद का पर्सनलाइज मेंटरिंग प्रोग्राम, जिसका नाम है सारथी 1.0, आप सभी की मदद के लिए खड़ा है। कल गाइस इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कि किस तरीके से आप सभी को अपने कोर्सेज चुनने हैं, किस तरीके से आपको अपने कोर्सेज की प्रायोरिटी चुननी है, ये किसी भी प्रोग्राम में आपको नहीं बताया जाता है, यही खासियत है सारथी 1.0 की। फिर उसके बाद हमारे सेशन होने वाले हैं मास्टर क्लासेस के ऊपर, कैसे आप सभी को कोर्स ठीक है, कॉलेज ठीक है, लेकिन कोर्स प्लस कॉलेज की किस तरीके से हम अपनी प्रेफरेंस शीट बनाएंगे, इसकी हम आप सभी की मास्टर क्लासेस स्टार्ट होने वाली है सारथी 1.0 के अंदर। एंड 3 इंपॉर्टेंट चीजें और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा सारथी 1.0 में। इमीडिएटली एनरोल करते ही गाइस, आप सभी को सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस की जनरलाइज्ड रैंकिंग प्राप्त हो जाएगी। सेकेंडली, आप सभी को कोर्स किस प्रायोरिटी में सेट करनी चाहिए, उसके 3 इंपॉर्टेंट पीडीएफ आपको एंट्री लेवल पे मिल जाती है। एंड थर्डली, खजाना गाइस, प्रेफरेंस लिस्ट, कोर्सेज की रैंकिंग हर जगह पे गाइस डिफर करती है। बीए पॉल साइंस ऑनर्स के लिए कुछ और रैंकिंग होती है, हिस्ट्री के लिए डिफर करती है, फिजिक्स के लिए डिफर करती है, केमिस्ट्री के लिए डिफर करती है। एंट्री लेवल पे कोई आपको ये चीजें नहीं देता है, एंट्री करते ही आपके पास हर एक कोर्स की प्रेफरेंस शीट का एक्सेस आपको इमीडिएटली मिल जाएगा। ये पूरी की पूरी खासियत है हमारे सारथी की कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेफरेंस शीट नहीं, बट हम आपको कॉलेज एंड आपके कोर्सेज चुनने में भी आपको लाइव काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे। बहुत ही लिमिटेड सीट बची है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द लॉग इन एनरोल करने की कोशिश करिए, लिंक हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ इसके बाद गाइस, आप सभी की रैंक लिस्ट आ रही होगी, सिम्युलेटेड रैंक लिस्ट। कई लोग आपको ये बोल रहे थे कि भाई अपने रैंक के हिसाब से प्रेफरेंसेस बनाना, क्या करोगे, ऐसे मत करो, रैंक के हिसाब से अपनी प्रेफरेंसेस बनाना। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि फेजेस क्लोज हो गए थे फिर आपकी रैंक आई थी, इस साल भी वही होने वाला है। आप सभी की जो सिम्युलेटेड रैंक लिस्ट है, ये 29 जुलाई को आ जाएगी, आपको आपकी हर एक कोर्स की रैंक्स पता चल जाएंगी, बस यही होने वाला है और कुछ, क्योंकि उसके बेसिस पे आपका एडमिशन बिल्कुल नहीं हो रहा होता है। ऑल्दो ये आपको पहले दे देनी चाहिए थी, बिकॉज उसके बेसिस पे आप अपने कोर्स प्रायोरिटी को सेट कर सकते थे, बट अब लेट मिल रहा है तो उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। 29 जुलाई को आप सभी की सिम्युलेटेड रैंक लिस्ट रिलीज हो जाएगी। इसके बाद गाइस, आप सभी की सबसे पहली मेरिट लिस्ट, सबसे पहला राउंड ऑफ एडमिशन कब कंडक्ट हो जाएगा, आपका पहला राउंड ऑफ एडमिशन कंडक्ट होने जा रहा है 1st ऑफ अगस्त को, और ये गाइस आप सभी के लिए सबसे खुश भरा दिन होगा, उस दिन आपको आपकी सीट एलोकेट हो जाएगी। नाउ गाइस, आप सभी का जैसे ही पहली मेरिट लिस्ट आउट होगी, उसके बाद आपको एक्सेप्ट करने का टाइम दिया जाएगा, फ्री अपग्रेड करने का टाइम दिया जाएगा, और फिर उसके बाद आपको उस कॉलेज की पूरे साल की फी पेमेंट करने का टाइम दिया जाएगा। अगर आप फी पेमेंट नहीं करेंगे तो आपकी वो सीट कंफर्म नहीं मानी जाएगी। इसी के अंतर्गत गाइस, जब आप लोगों को आपकी पहली मेरिट लिस्ट रिलीज होगी, उसके बाद आपको अपनी टॉप प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर करने का टाइम मिलेगा। कब आप लोग अपनी जो रीऑर्डर कर सकते हैं प्रेफरेंसेस को, 8 अगस्त गाइस आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस को रीऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद आप सभी की आ रही होगी सेकंड मेरिट लिस्ट। गाइस, आप सभी का सेकंड राउंड रिलीज होने वाला है, कब आने वाला है, 10th ऑफ अगस्त को। कितना टाइम लग रहा है आप सभी देख सकते हैं, पहले राउंड में और दूसरे राउंड के खत्म होने में गाइस आपका 10 डेज का डिफरेंस आ जा रहा है। सो गाइस, आप सभी का सेकंड राउंड कंडक्ट हो जाएगा 10th ऑफ अगस्त तक, एंड उसके बाद आप सभी के 16th अगस्त से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। एंड वेलकम टू नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस, और वेलकम टू दिल्ली यूनिवर्सिटी। लेकिन गाइस, मैंने आपको पहले बोला था, जिन भी बच्चों को पहले एंड दूसरे राउंड के अंदर एडमिशन मिलेगा, सिर्फ उन्हीं बच्चों की क्लासेस 16th अगस्त से हो रही होंगी। जिन भी बच्चों को थर्ड राउंड में एडमिशन मिलेगा, स्पॉट
और स्पेशल स्पॉट राउंड में उन सभी को लेट एडमिशन मिल रहा होगा। नाउ स्पॉट राउंड की कॉन्फर्मेशन नहीं है, बट आपका जो थर्ड राउंड है, थर्ड मेरिट लिस्ट है, ये रिलीज हो जाएगी आप सभी की 22nd of August को। सो ये है गाइस आप सभी का पूरा दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन स्केड्यूल। नाउ गाइस एक चीज में हमारी बहुत अहम भूमिका रहने वाली है, दैट इज कि आप लोग किसी भी एक पर्टिकुलर फेज, किसी भी एक पर्टिकुलर एक्सेप्ट फ्रीज, इन चीजों को बिल्कुल भी मिस नहीं करने वाले हो। इतने सारे काम अब आगे आप सभी को करना है, प्रेफरेंसेस को सेव करना है, प्रेफरेंसेज ऑटो लॉक होंगी, इतनी सारी चीजें आप सभी की हो रही होंगी। एंड इसके लिए जितने भी बच्चों ने हमारा ऐप जिसका नाम है करियर टेक ऑफ इसको डाउनलोड कर रखा है, उन सभी बच्चों को हमारे ऐप के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल रहे होंगे कि भैया आपका 2 दिन बाद ये पर्टिकुलर चीज एंड होने वाली है, इसको कर लीजिए। एक दिन पहले आपको रिमाइंडर मिलेगा, फिर उसके बाद आपको वो चीज एंड होने के 3 से 4 घंटे पहले भी रिमाइंडर्स मिल रहे होंगे, जिससे आप एक भी कोई भी चीज को मिस ना करें। इसलिए मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट है कि करियर टेक ऑफ आपको डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आप किसी भी एक फेज को भूल ना जाएं। सो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।